हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज जो आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जनरल साइंस के और जनरल अवेयरनेस के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिले आपके अगर एग्ज़ाम भी आने वाले दिनों में बाकी है तो क्वेश्चंस जो हैं वो हमको स्टूडेंट्स के थ्रू मिले हैं। हो सकता है कुछ उसमें गलत भी हो थोड़ा बहुत, तो ठीक है, आप लोग कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा अगर कुछ गलती होती है तो। अदरवाइज़ हम लोगों ने पूरी कोशिश करी है कि सही आपको बताया जाए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जल्दी से देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हु इज़ नोन एज द पैब्लो पिकासो ऑफ इंडिया। तो उसका राइट आंसर होगा MF हुसैन, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं, जो जितना हम लोग को भी पता चला है उसका हम लोग आंसर भी आपको बताते चलेंगे साथ साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु गॉट भारत रत्न फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था भारत में, तो वो सचिन तेंदुलकर, ठीक है। फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस क्या है, तो धूमल एंड रौफ, ठीक है। धूमल एंड रौफ दोनों ही है। अब ऑप्शंस नहीं पता है हम लोग को क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 का जो था उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट, एग्ज़ाम वॉरियर बुक, ये हम लोगों ने अपने वीडियो में भी पढ़ाया था आपको, और बहुत ही लिमिटेड हम लोगों ने बुक और ऑथर का नाम दिया था, देखिएगा उन्हीं में से कुछ ना कुछ जरूर आएगी आपके आने वाले जो डेज भी बचे हुए हैं उनमें भी। आज एक क्वेश्चन देखिए आप ही क्या, एग्ज़ाम वॉरियर बुक किसने लिखी है, PM नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, टोटल टीम्स इन फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीम्स टोटल खेलती हैं, तो वो हैं 32, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटका के CM कौन है, SD कुमार स्वामी। मध्य प्रदेश के CM इस समय कौन है, कमलनाथ, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार, इस क्वेश्चन नहीं पता है क्वेश्चन एक्चुअली कैसा था, लेकिन ये अवार्ड जो है वो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। और कितनी कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, तो हैं गीता मित्तल। नेक्स्ट, आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है, वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, ये तो हम लोगों ने अपने वीडियो में पढ़ाया भी है, आप जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी, ये बुक किसने लिखी है, तो लिखी है ममता बनर्जी ने। नेक्स्ट, वूलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और झेलम रिवर पे है ये, तो ये कैसी लेक है, फ्रेश वाटर की लेक है, ठीक है, मीठा पानी भी बोला जाता है या तो, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के डिप्टी CM कौन है, तो हैं सचिन पायलट। ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोग को स्टूडेंट्स के थ्रू पता चले हैं वही हम लोग बता रहे हैं अपने इस वीडियो में। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन है, तो हिमांता बिस्वा शर्मा इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पर है, तो ये है कंबोडिया में, ओके। नेक्स्ट, कंप्यूटर का नाम हिंदी में क्या है, उसको संगणक बोलते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और था कि विच कंट्री डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ द मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए होंगे, उसमें से पूछा होगा ये कंट्री मिडिल ईस्ट में है कि नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऑप्शंस हम लोग को नहीं क्लियर है इसके, तो इसका आंसर इसलिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हम लोग को जनरल अवेयरनेस के अभी पता चले हैं। आगे देखते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, और जनरल साइंस के क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखें एक बार, ठीक है। तो जिनका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे, अगर वो लोग एक बार सर्च करते हैं इंटरनेट में इन सब क्वेश्चंस को, तो इसका तो आंसर पता चलेगा ही, साथ में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस के आंसर भी पता चलेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आंसर नहीं लिखा है जनरल साइंस के किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट पूछा गया था, हॉर्स पावर से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रेशर की यूनिट ईजी था, मोमेंटम की यूनिट ईजी था, सर्फेस टेंशन की यूनिट भी ईजी था, 1 kW में कितने जूल ये भी ईजी था, ठीक है। एंड मैक्सिमम वाटर डेंसिटी कितने टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस, इजी है। साउंड स्पीड इन एयर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए थे, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, अल्टरनेटर की वैल्यू, फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ये आपको बताया जा चुका है वीडियो में कई बार, ठीक है। C/5 करके होता है फॉर्मूला, F-32/9, ओके। नैंड गेट ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था, A1 का साइज पूछा गया था, तो अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले वीडियोस देख रखे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप लगा लिए होंगे। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल कौन सी है, ये भी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के जितने भी PDF हैं वो हम लोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ओके। तो अगर आप रिविज़न करना चाहते हैं, एक क्विक रिविज़न, तो जल्दी से वेबसाइट पर जाइए, ये वेबसाइट का नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस पर जाइए और
सारे PDF डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से, ठीक है, क्योंकि कल परसों में ही एग्ज़ाम होगा, जाहिर सी बात है आप लोग का भी। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ पे एक क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। मीन मोड मीडियन पे एक क्वेश्चन था, लाइन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 1 inch में कितने सेंटीमीटर होते हैं, टॉलरेंस की डेफिनेशन क्या होती है, स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, जिग इज यूज्ड फॉर, साइन बार का स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे, थोड़े से एवरेज लेवल के हैं, ठीक है, एवरेज टू टफ आप बोल सकते हैं, मॉडरेट टू टफ, उतना ईजी भी नहीं है पेपर, ओके। ड्रिल इज मेड ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर कटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लीवर एंड पुली से रिलेटेड, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मैकेनिकल एडवांटेज पे बेस्ड डेफिनेशन या तो न्यूमेरिकल आ सकता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ व्यूज़, ठीक है, ऑक्सिलरी व्यू कितने टाइप के बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ठीक है, क्लाइनोमीटर से रिलेटेड, सोलर पैनल से रिलेटेड, एंड हु वॉज द फर्स्ट टू यूज़ वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल साइंस में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिजिक्स पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जो भी सिलेबस है आई होप कि अभी तक आप लोग का प्रिपेयर हो गया होगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, और जो भी हम लोग के चैनल पर अवेलेबल है वहाँ भी जाइएगा, और जो PDFs वेबसाइट पर अवेलेबल है उनको डाउनलोड करके एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और भी अगर कुछ आप लोग को आइडिया हो तो आप लोग कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।